धर्म, धर्म से भी मुक्ति नहीं होगी। ये भी सुन लीजिए, रामचरितमानस की चर्चा है, कोई सदगुरु कबीर की बात नहीं है जो टीका टिप्पणी कर दीजिएगा। रामचरितमानस में लिखा है कि धर्म से मुक्ति होने वाली नहीं। धर्म से कैसे मुक्ति होगा? धर्म का अर्थ तो होता है स्वभाव, नेचर, गुण। जैसे गाय का स्वभाव है घास खाना, अब बाघ का स्वभाव है मांस खाना, बगुला का स्वभाव है मछली खाना, गिद्ध का स्वभाव है मांस खाना, अब भौंरा का स्वभाव है फूल का पराग लेना, उसी तरह से आपका स्वभाव है भात रोटी खाना, दूध दही घृत मक्खन मलाई खाना। तो इससे आप तर कैसे जाइएगा? कंठी बांध लेने से तर जाएंगे आप? कंठी बांधने की कोई आवश्यकता नहीं है। गधा के गले में कोई कंठी नहीं है। अपने नियम पर, अपने धर्म पर गधा चल रहा है। आज तक है कोई कहने वाला कि कह दे कि गधा का बेटा मांस खा रहा है, चाहे गधा के बाप मांस खा रहा है, कोई कहेगा? गधा धर्म भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। आज तक गधा अपने प्राकृतिक धर्म पर चल रहा है, आज तक वो शुद्ध शाकाहारी है। तो गधा तर जाएगा? गधा घास खा के तर जाएगा? अब बगुला मछली खा के तर जाएगा? बाघ मांस खा के तर जाएगा? घोंघा सितुआ माटी खा के तर जाएगा? वो तो प्राकृतिक धर्म है। धर्म गीत गाना नहीं है, धर्म हारमोनियम ढोलक बजाना नहीं है, धर्म सुमिरन ध्यान करना धर्म नहीं है, धर्म गंगा जमुना में नहाना नहीं है, धर्म काशी प्रयाग जाना नहीं है, धर्म स्तुति विनती करना नहीं है। धर्म का अर्थ सीधा स्वभाव होता है, नेचर, गुण। धर्म से कहां मुक्ति हो जाएगी? धर्म तो आपका स्वभाव है, मानव का स्वभाव है, सब प्राणी का स्वभाव है। धरती पर जितने भी प्राणी हैं सब अपने अपने धर्म पर चल रहे हैं, सब अपने अपने स्वभाव पर चल रहे हैं, सब अपने अपने नेचर पर चल रहे हैं, सब अपने अपने गुण पर चल रहे हैं। तो इसे वैकुंठ हो जाएगा? गाय घास खा के सतलोक जाएगी? आप स्तुति करके वैकुंठ जाइएगा? आ कोई ढोलक हारमोनिया बजा के स्वर्ग चला जाएगा? कभी नहीं। यह आपका स्वभाव है। माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म है, हमारा स्वभाव है। शुद्ध शाकाहारी रहना हमारा धर्म है, हमारा नेचर है, हमारा गुण है, हमारा स्वभाव है। साग सब्जी भात रोटी खाना, काजू किशमिश बादाम मुनक्का छोहारा खाना, सेव संतरा अनारस बेदाना खाना, आम लीची कटहर केला अमरूद खाना, आलू गोभी टमाटर बैगन सीम परवल खाना, मूंग मसूर खेसारी अरहर चना खाना, चावल गेहूं मकई ज्वार बाजरा खाना, ये मेरा नेचर है, मेरा गुण है, मेरा स्वभाव है और मेरा धर्म है। इसे मुक्ति नहीं होने वाली। और मांस मछली तारी दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पान सुपारी शिखर पराग जर्दा किमाम चोरी दलाली बेईमानी घुसखोरी करना, ये मेरी आदत है, यह आदत है और वो धर्म है। धर्म सुखदाई है, धर्म आपको मुक्ति नहीं देगा, धर्म से आपके जीवन में सुख आएगा। और जितनी भी आदतें आपने लगाई है अपने जीवन में वो दुखदाई है, बीड़ी आपको दुख देगा,
सिगरेट आपको दुख देगा, गांजा आपको दुख देगा, दारू आपको दुख देगा, तारी आपको दुख देगा, मांस आपको दुख देगा, और मछली भी आपको दुख देगा, चोरी दलाली भी आपको दुख देगा। ये सारी आदत है और आदत मैंने अपने जीवन में लगाया है और धर्म मैंने माँ के गर्भ से लेके आया। जो बच्चा जन्म लिया है कभी भी वो मुंह में मांस नहीं रखेगा। और मछली, मांस मछली खाने के लिए बीजक में साहब कबीर कहते हैं, राही ले पिपराही बही, करगी आबत काहू न कही। राही आया इस दुनिया में, और यहाँ के पहले लोग जो आए हुए थे, पहले से जो डूबा था वो हमको भी धकेला, पहले से जो डूबा था वो हमको भी धकेला है। पहले से जो मांस मछली खा रहा था, खा रही थी औरत और खा रहे थे मर्द, वो बेटा बेटी को जबरन मुंह में ठेल कर खिया कर और आदत लगा दिया। मांस मछली खाना हमारा धर्म। गाय भैंसी के बच्चा अगर खुल जाए और खेत में जाए तो क्या खाएगा, मांस खाएगा कि घास खाएगा? उसका धर्म है घास खाना, वो घास खाएगा, वो मांस नहीं खाएगा। ये सारे आदत लगाए गए। आज आदत वाले लोग सब दुर्गा जी के सामने भेड़ काटते हैं, बकरी काटते हैं, गाय के सामने, काली के सामने, दुर्गा के सामने बकरी काटते हैं, भेड़ी काटते हैं और अपने को धार्मिक कहते हैं। ये नियम कहाँ से आया? काली दुर्गा के सामने बकरी भेड़ी काटने वाला नियम कहाँ से आ गया? साहेब कबीर ने कहा मुसलमानों से, दीन में रखते हो रोजा, रात न तो हो गाय, यह खून वह बंदगी, कस कर खुश खुदा। मौलवी साहेब, दिन भर अन्न नहीं खाते हो, पानी नहीं पीते हो, और ज्यों सूर्यास्त हुआ तो कोई बकरी काटते हो, कोई गाय काटते हो, कोई ऊंट काटते हो, कोई दुम्मा काटते हो, एक तरफ इबादत करते हो, एक तरफ खून की नदी बहाते हो, अल्लाह खुश होगा? मान लिया जाए, आप ही की बात को मान लिया जाए कि दुनिया को बनाने वाला, दुनिया का मालिक कोई है, इसको मान लिया जाए तो, अगर दुनिया को बनाने वाला कोई मालिक है तो पूरे सृष्टि के जितने जीव जंतु हैं उसी के पुत्र होंगे ना पुत्री, उसी के द्वारा ना रचना सबका किया गया। तो किसी के बेटा को कत्ल कीजिएगा तो उसका पिताजी आपसे दोस्ती करेगा? अगर है कोई मालिक एक, कबीर ने तो खारिज कर दिया इस बात को, स्पष्ट कह दिया एक कहो तो है नहीं। बोलिए आप लोग भगवान कितने हैं? भगवान कितने हैं? कोई डरे ना बोल रहा है सुतरेगा कि न सुतरेगा। कितने हैं? एक है। कहां मिले थे? देखे थे कहां? झूठ बोलते हैं बाबाजी होके? ना ना, बाबाजी सब झूठ बोलता है। कहां मिला? परमात्मा कॉलेज में मिला था कि हॉस्पिटल में कि बरियात में देख लिए, कि चौसा ब्लॉक पर मिल गया कि जिला में मिला? कहां मिला? एक कह दिया, उड़ी ऊपर उठा दिए, एक है। कहां है वो? हमको बात कराइए तो तनी, क्या बोलते हैं? तो एक है, तो एक मरेगा तो सब मर जाएगा, एक मरे तो सब मर जाएगा, पूरा सृष्टि के लोग। अगर आप किसी कॉलेज में जाइए, किसी हाई स्कूल में जाइए और कहिए वहां जाकर कि इसमें से एक लड़का कलेक्टर बनेगा और लड़का से कपार फोड़ देगा कि छोड़ देगा, बोलिए बोलिए,
कपार फोड़ेगा कि छोड़ देगा, कैसे जान गए कि एक लड़का इसमें से कलेक्टर बनेगा और कोई न बनेगा? कैसे आप समझ गए भगवान एक है? अगर भगवान एक है तो वो अरबा चावल खाता है कि गाय? अब जवाब लाइए। भगवान एक है सो बतासा खाता है कि गाय कि शुगर? तीनों में से क्या खाता है वो? उसको क्या पसंद है? वो पूरब घूमने वाले से खुश है कि पश्चिम घूमने वाले से? वो मंदिर जाने वाले से खुश है कि मस्जिद जाने वाले से? बोलिए ना, अब झूठ फूस मत बोलिए। वो एक कहीं नहीं है। भगवान को आप एक भी नहीं कह सकते हैं, दो भी नहीं कह सकते हैं, दस भी नहीं कह सकते हैं, बीस भी नहीं कह सकते हैं, लाख भी नहीं कह सकते हैं और करोड़ भी नहीं कह सकते। एक कहो तो है नहीं, और दूजा कहो तो गारी है। जैसा रहे पुनि तैसा कहीं कबीर बिचारी। वो न एक है, न दो है, न पांच है, न दस है, न लाख है, न करोड़ है। उसको आप गिनती नहीं कर सकते हैं। आप गिनती कीजिएगा, भारत का व्यवस्था कुछ और है, यहां के भगवान कुछ और हैं, और चीन के भगवान कुछ और, जापान के भगवान कुछ और हैं, अमेरिका के भगवान कुछ और हैं, रूस के भगवान कुछ और हैं, इंग्लैंड के भगवान कुछ और हैं, सऊदी अरब के भगवान कुछ और है। तो आप एक कैसे कह दिए? भगवान की गिनती कोई नहीं कर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, घट में है सूझ है नहीं, लानत ऐसो जिंद, तुलसिया संसार को भयो है मोतियाबिंद। भगवान कहाँ रहता है? हर घट में। वो मठ में नहीं रहता है, वो जर्रे जर्रे में नहीं रहता है, वो कण कण में नहीं रहता है, वो घट घट में रहता है। मुसलमान लोग कहा खुदा जर्रे जर्रे में है, पंडित जी लोग कहे भगवान कण कण में है। तो भगवान यदि कण कण में है तो भगवान विद्यालय में भी होगा। वहां टिकट काटता है क्या भगवान बैठ के? आ जहां कसैया गाय भैंसी काटता है वहां भी भगवान होगा, आ जहां मछली बिक रही है वहां भी भगवान होगा, आ जहां दारू की भट्टी चल रही है वहां भी भगवान होगा, आ जहां तारी की दुकान है वहां भी भगवान होगा, आ जहां घुसखोरी चल रहा है, दलाली चल रहा है वहां भी भगवान। अगर कण कण में है तो हर जगह होगा। क्या वैसा भगवान चाहिए आप लोगों को? एक बात और जान लीजिए, घट घट में भी भगवान नहीं है, घट घट में भी नहीं है। अब घट घट में होता तो जो आदमी बीड़ी पी रहा है वहां भगवान है, जो सिगरेट पी रहा है वहां भगवान है, जो दलाली खा रहा है वहां भगवान है, जो घूस खा रहा है वहां भगवान है, जो तारी पी रहा है वहां भगवान है, जो मांस खा रहा है वहां भगवान है नहीं? घट घट में भी नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, करनि करे सो पुत्र हमारा, कथनि कथे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो मंच पर केवल कथनी करे, आकाश पताल की बात करे, आ करनी उसके पास कुछ न, खाली गलत काम करे, आ मंच पर चर चर घंटा प्रवचन दे दे, बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, दलाली खाए, घूस खाए, सिगरेट पिए,
साहब कबीर कहते हैं ये मेरा नाती है। ऐसे लोगों को साहब कबीर ने, जो केवल कथनी करता है, उसको साहब कबीर ने नाती कह के संबोधित किया। नाना और नाती का जो रिश्ता है वो दूर है कि निकट? नाना नाती का रिश्ता दूर है। नाती होता है बेटी के बेटा, नाना से उसका रिश्ता दूर है, बेटी के बेटा है नाती, रिश्ता दूर है। सद्गुरु कबीर कहते हैं जो मंच पर केवल कथनी करता है उसे रिश्ता मेरा दूर है, वो मेरा नाती है। और करनी करे सो पुत्र हमारा, आज जो चलता है करता है करके दिखाता है, बोलता कम है करता ज्यादे है, वो मेरा बेटा है और उससे मेरा खून का रिश्ता है, खून का संबंध है। करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथे सो नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा। और जो कथनी करनी दोनों से ऊपर उठ गया, अर्थात जो रहनी में आ गया, पॉजिटिव डिग्री, कंपरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, डिग्रियां तीन होती है और पोजीशन तीन है, गुड बेटर बेस्ट। गुड माने अच्छा, बेटर माने उससे अच्छा, और बेस्ट माने सबसे अच्छा। आप मांस मछली तारी दारू गांजा भांग सब कुछ खा रहे थे और इसी तरह सत्संग चल रहा था, संत जी मन से बोल रहे थे मांस खाना मछली खाना तारी दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट खाना यह अध्यात्म के विरुद्ध है और मानव के स्वास्थ्य के भी विरुद्ध है, इसको नहीं खाना चाहिए। तो आपने खाना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया तो नफा हुआ कि नुकसान? दुर्व्यसन खाना छोड़ दिए तो नफा हुआ कि नुकसान? नफा हुआ, अब आपको डिग्री मिल गई, अब आप हो गए पॉजिटिव डिग्री एंड गुड, और प्राणी से आप अच्छे हो गए, अब आप हो गए पापात्मा नहीं रह गए, अब आप हो गए जीवात्मा एज ए पॉजिटिव डिग्री। उसके बाद गए सदगुरु के शरण में, दीक्षा लिया, असारा चोरी दलाली बेईमानी हत्या बलात्कार छोड़ दिया तो नफा हुआ कि नुकसान? नफा हुआ और डिग्री आपकी आगे बढ़ गई, अब आप हो गए कंपरेटिव डिग्री एंड बेटर, उससे भी अच्छा, अब आप हो गए महात्मा। क्या थे? पापात्मा। अब उसमें सुधार किए तो क्या हुए? जीवात्मा। और उसमें सुधार किए तो क्या हुए? महात्मा। और महात्मा बनने के बाद निर्वैर निर्भय निष्काम निर्लोभ, मन और मन की कल्पना, बुद्धि और बुद्धि की तर्कना, इंद्री और इंद्री की भोग वासना, चित और चित की चंचलता से जब आप ऊपर उठ गए, सारी आसक्तियां मिट गई, सारे पाप कर्म खत्म हो गए, अंत में आप ही बनेंगे सुपरलेटिव डिग्री एंड बेस्ट, आप ही बनेंगे परमात्मा। परमात्मा की डिग्री कहाँ उतरती है? कलेक्टर की डिग्री कहाँ उतरती है? विद्यार्थी पर। और परमात्मा की डिग्री कहाँ उतरती है? आत्मा पर। यही आत्मा पाप कर्म कर रहा है तो पापात्मा है, यही किसी का घर फूंक दिया, किसी का प्रतिष्ठा लूट लिया, किसी का मर्डर कर दिया, तो इसी को आप कहते हैं दुष्ट आत्मा है, इसी को लोग कहते हैं दुष्ट आत्मा है। यही मांस खाया मछली खाया चोरी दलाली किया तो आप कहते हैं पापात्मा है। यही आत्मा किसी के बेटी के विवाह में मदद कर दिया, कोई बीमार था इलाज करा दिया, कहीं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनवा दिया तो आप कहते हैं धर्मात्मा। और यही आत्मा जब सुमरन में लग गया, ध्यान में लग गया, साधना में लग गया, भजन में लग गया, कीर्तन में लग गया तो आप इसी आत्मा को कहते हैं महात्मा है। और यही आत्मा सारे पाप कर्मों से ऊपर उठ गया तो इसी आत्मा को हम अंत में परमात्मा कहते हैं।
आज लोग परमात्मा के खोज में है, स्तुति विनती उसका कर रहा है कि परमात्मा कहीं रीझ जाए, परमात्मा कहीं दर्शन दे दे। कोई आदमी पाए हैं दर्शन? जिसको हमारा खानदान नहीं देखा, हम अपने नजर से नहीं देखे, उसी के फेर में आज पूरा दुनिया बेकल है। उसके फेर में पूरा दुनिया बेकल है जिसको किसी ने नहीं देखा आज तक। एक मुसलमान से मैंने पूछा, बड़ा मोटा तगड़ा दिख रहे हैं, दूसरा के मांस खा के, दूसरा के देह के मांस खा के मांस खूब फुलाए हैं, आपके शरीर का अगर कोई मांस खाना पसंद करे तब क्या करेंगे आप? दीजिएगा? चुप्पे हमारे निकट से निकल गया हूं। धर्म करते हैं धर्म। अल्लाह को साहब कबीर कहे, खोजे अल्लाह के नगरिया जन्म के फूहरी, जन्म के फूहरी हो जन्म के फूहरी, खोजे अल्लाह के नगरिया जन्म के फूहरी, पांचों वक्त नमाज गुजारे राखे तीसो रोजा, पांचों वक्त नमाज गुजारे राखे तीसो रोजा, घट के अंदर खुदा बसतु है तिनको कभी न खोजा, घट में छाई है अंधियरिया जन्म के फूहरी, कलमा पढ़े रहीम पुकारे दिल में रहम न लाई, घट के अंदर नूर बसतु है तिनकर खबर न पाई, पर गए माया के लहरिया जन्म के फूहरी, रे हाथ में हजरत कदम रसूले नैन में नबी बिराजे, हाथ में हजरत कदम रसूले नैन में नबी बिराजे, मन मक्का काया है कावा सिर पर अनहद बाजे, खोल के देखना केवारिया जन्म के फूहरी, खोजे अल्लाह के नगरिया। मुसलमान सब ही अल्लाह के खोज में है, आ हिंदू भी भगवान के खोज में है, आ सिख भी खोज में है, ईसाई भी खोज में है, चारों खोज में लगा हुआ है। मिला किसको? चारों में से किसको मिला भगवान? बंधुओं, सदगुरु कबीर कहते हैं, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई लीला चौबीस अवतारण का, कोई कहता तीर्थ कराने का, कोई देवल कोई पीपल पूजा, कोई कहता भक्ति कराने का, कोई कहता कुछ न करना रसना राम रटाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई कहा चौबीस अवतार के पूजा कीजिए, नाम का जाप कीजिए, सतलोक हो जाएगा, बैकुंठ हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा। चौबीस अवतार में दस अवतार है भगवान का मुख और चौदह अवतार है उप, दोनों मिला के भगवान का चौदह चौबीस अवतार बताया गया है। पहला अवतार है मत्स्य अवतार, भगवान मछली रूप में आए, शंखासुर राक्षस को वध किए और वेद को प्रकाश किए। दूसरे भगवान कछुआ रूप में आए तो नरकासुर को वध किया और समुद्र मंथन के द्वारा चौदह रत्न निकाला।
तीसरे भगवान बराह यानी सुगर रूप में आए तो हिरणाक्ष राक्षस को वध किए और बिस्टा में छिपी हुई धरती को बाहर निकाला। चौथे भगवान बावन रूप में आए तो चौथे भगवान नरसिंह रूप में आए तो प्रहलाद को बचाया, हिरणकश्यपु का कलेजा फाड़ दिया। पांचवे भगवान बावन रूप में आए तो राजा बलि से तीन डेग छल से जमीन मांगा और अंत में एक लात में पाताल को भेज दिया। छठे भगवान परशुराम रूप में आए तो ये 21 बार धरती को निक्षत्रिय किया, अंत में पिता के आदेश से अपने माँ का गर्दन काट लिया। सातवें भगवान राम रूप में आए तो सेतुबंध रामेश्वर बांध कर लंका जाकर और रावण के पूरे खानदान को मार के गिराया। और आठवें भगवान कृष्ण रूप में आए तो 16,000 गोपी और 8 पटरानी के साथ भोग विलास किया और ब्रह्मचारी कहाया। नौवें भगवान बौद्ध रूप में आए जो रक्तबीज दैत्य को मार के गिराया और जाति पाति का भेदभाव दूर किया। और दसवें भगवान कलंकी रूप में आने वाले हैं, उसमें लिखा है श्रीमद् भागवत में कि उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद टाउन है, उसके बगल में संभल एक गाँव है, वहाँ कुमारी ब्राह्मणी के कोख से कलंकी अवतार लेगा जो कलयुग में कालिंजर राक्षस को मार के गिराया। ये 10 भगवान मुख बताया गया। 10 अवतार में मर्डर हुआ, खून की नदी बही है, इस अवतारवाद की पूजा चल रही है। 14 उप अवतार बताया गया है जिसमें पहला अवतार नारद जी का है, मनु जी का है जो भक्ति मार्ग दिखलाने के लिए हुआ। दूसरा अवतार नारद जी का है, पहला अवतार मनु जी का है जो जगत की व्यवस्था करने के लिए हुआ, और दूसरा अवतार नारद जी का है जो भक्ति मार्ग दिखलाने के लिए हुआ। तीसरा अवतार विष्णु संतोषी का है जो विवेक करने के लिए हुआ, और चौथा अवतार हंस अनकादि का है सदा 5 वर्ष के बाल्यावस्था में रहने के लिए हुआ। पांचवा अवतार विश्वमोहिनी है जो दैत्यों से अमृत लेने के लिए क्षीर सागर में हुआ। छठा अवतार कपिल जी का है जो देवभूति और कर्दम ऋषि के मेल से हुआ और सांख शास्त्र बनाया। सातवा अवतार वेदव्यास का है जिन्होंने वेद को विभक्त करके 18 पुराण बनाया। आठवा अवतार दत्तात्रेय का है जिन्होंने 24 गुरु करके संसार को उपदेश दिया, जब तक हृदय में शांति न मिले गुरु की खोज करनी चाहिए। नौवा अवतार राजा पृथु का है जिन्होंने पृथ्वी को गौ बना के दुआ और औषधि निकाला। दसवा अवतार है ग्रीब का है जो मधुकैटभ दैत्य को मार के गिराया। ग्यारहवा अवतार नारायण जी का है जो धर्म भारजा से तप करने के लिए हुआ। बारहवा अवतार सनकादिक का है जो विचार करने के लिए हुआ। तेरहवा अवतार धनवंतरी का है जो रोग नाश करने के लिए हुआ। चौदहवा अवतार यज्ञ में इंद्र की कन्या से यज्ञ करने के लिए हुआ। इसी 24 अवतार के चक्कर में ये पूरा दुनिया के लोग लगा, जो माया ने खेल किया, जो माया ने तांडव किया, उसी माया के खेल वाला पूजा में ही पूरा दुनिया के लोग। कोई लीला 24 अवतारन का, कोई 24 अवतार के लीला में फंसा है, और कोई कहता तीर्थ कराने का, भक्ति कराने, कोई तीर्थ करवा रहा है तीर्थ में जाओ मुक्ति मिल जाएगी, और कोई भक्ति करवा रहा है, और कोई कहा कुछ ना करना, रसना राम रटाने का। रसना माने तो होता है जिभ्या, जिभ्या से केवल राम नाम कहो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तथा एगो सुग्गा आकाश में उड़ रहा है और एक सुग्गा पिजरा में बंद है, और राम नाम पढ़ने से मुक्ति होगी तो पिजरा वाला सीताराम पढ़ता है कि आकाश वाला सुग्गा है? तो बुढ़ा का मर गया जेल में, सीताराम पढ़ते पढ़ते छुट्टी नहीं मिला इसको। रसना राम रटाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई पीर बने फकीर बने, कोई किया मुरीद निशाने का, कि कोई 30 रोजा निमाज गुजारे लहूत मलकूत मुकामे का। कोई हजब हकीकत हिकमत को, कोई कहा शब्द फरमाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने।
कोई अमर औलिया पीर पैगंबर गौस कुतुब कहवाने का, कोई मलंग कोई बने कलंदर भेस किया सब खाने का। खुद खुदा के मरम न जाने पाए न नाम निशाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई अर्पण कोई तर्पण पूजा संध्या पाठ कराने का, कोई गोबर शिला माटी पत्थर प्रतिमा धातु बनाने का, कोई धूप दीप ले आरती साजे घंटा शंख बजाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई अर्पण कोई तर कोई नेती धोती हाथ पखारे उल्टा पवन चढ़ाने का, कोई खट चक्र को भेदे त्रिकुटी में ध्यान लगाने का। कोई अजपा कोई अनहद झिलमिल शब्द वहां नहीं जाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने। कोई सात सुरत कोई सात कमल कोई सात शून्य तक जाने का, कोई निरंकार ओंकार निरंजन सोहन शक्ति जमाने का, कोई छर कोई अक्षर कोई नियक्षर सुख मन में ध्यान लगाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। वाल्मीकि रामायण भाखा राम लखन अवतारे का, सूरदास सुख सागर उपजा करता नंद कुमारे का, कोई काली कोई दुर्गा पूजा भैंसा भेड़ कटाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। जब दिल बैठा संतोष तख्त पर मिट गया आप बिराने का, आप मिट के आप हुआ तो रहा न कुछ कहने का, यहाँ वहाँ मैं तय और न दूजा केवल शब्द ठहराने का, मजहब की बात कबीर बखाने हट गया मत संसारे का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने। इतना जाल बिछाया गया अध्यात्म के नाम पर, इतना नियम पर नियम इतना धर्म पर धर्म खड़ा किया गया। धर्म से मुक्ति होती है क्या? नियम से मुक्ति होती है क्या? कल्याण होता है क्या? धर्म तो आपका स्वभाव है। अगर आप गाली पढ़ते हैं तो अपने धर्म पर नहीं है, अगर आप अपने माता पिता की अवज्ञा करते हैं तो आप अपने धर्म पर नहीं, अगर आप मांस मछली खाते हैं तो आप अपने धर्म पर नहीं, अगर आप बीड़ी सिगरेट गांजा भांग पीते हैं तो आप अपने धर्म पर नहीं, अगर आप चोरी दलाली बेईमानी करते हैं तो आप अपने धर्म पर नहीं। धर्म से मुक्ति नहीं होती है। साहब कबीर का एक भजन है, संतो सोन जे देश हमारा हो, संतो सोनिज देश हमारा, जहां जाए जीव फिर नहीं आवे भवसागर के धारा। उस लोक की विशेषता क्या है? कहा अरे पांच तत्व, ऐसे बहुत भजन है, एक करी मैं बताता हूं। पांच तत्व गुण तीन तहा नहीं, नहीं वहां सृष्टि पसारा। धर्मा अधर्मा तहा कछु नहीं, जहां न धर्म हो न अधर्म हो वो देश मेरा है। धर्मा अधर्मा तहां कछु नहीं, पाप पुण्य विस्तारा। आज सारे दुनिया के लोग, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब लोग पाप पुण्य के दुकानदारी में भिड़ा हुआ है। सब है पाप पुण्य के दुकानदारी में। कल्याण का मार्ग कहीं नहीं है, केवल पाप पुण्य के दुकानदारी चल रही है। छठ क्या है? पुण्य की दुकानदारी। जितिया क्या है? विश्वकर्मा पूजा क्या है? पुण्य की दुकानदारी।
करवा चौथ क्या है, कर्मा धर्मा क्या है, गंगा स्नान क्या है, बैनाथ धाम क्या है, वैष्णो देवी क्या है, पुण्य की दुकानदारी चल रही है। पुण्य लेके क्या कीजिएगा? ऐ पुण्य करने वाले, पुण्य करने वाले के मन में कुछ आकांक्षा है कि हे भगवान, आपका मैंने हाथ उठाया है, एगो पोता हमको दीजिएगा। अब पोता देखने से कहीं मर गए पहले, तब पोता देखने के लिए फिर आपको भी गर्भ में चलना पड़ेगा, फिर आपको शरीर पकड़ना पड़ेगा पोता देखने के लिए, तो स्वर्ग गए कि नरक गए? पाप पुण्य के दुकानदारी में रहने वाले किसी का कल्याण नहीं होगा। करते रहिए पाप, गंगा जमुना में नहाते रहिए, छठ चंदा करते रहिए, और मछली मांस खाते रहिए, कुछ नहीं होगा इससे। ये सब पाप पुण्य के दुकानदारी। साहब कबीर कहते हैं मेरे यहां धर्म नहीं होता है, धर्म नहीं और पाप भी नहीं और पुण्य भी नहीं, ये चारों को हटा दीजिए। तो कहिएगा करना क्या है? करना है केवल अपने कल्याण की बात सोचना है, ना हमको पाप करना है। पुण्य क्यों किया? बेटा के लिए। पुण्य क्यों किया? पारी के लिए। पुण्य क्यों किया? बाछी के लिए। पुण्य क्यों किया? बेटा के नौकरी के लिए। पुण्य क्यों किया? बेटा के रिजल्ट के लिए। पुण्य क्यों किया? मकान बनने के लिए। पुण्य क्यों किया? जमीन खरीदाने के लिए। यही पुण्य की दुकानदारी चल रही है, इससे मुक्ति होती है। पुण्य के दुकानदारी से मुक्ति चलती है, कल्याण होता है क्या? काल ने कबीर साहब से चैलेंज किया, काल ने सदगुरु कबीर से चैलेंज ठोका, क्या कबीर किसको किसको पार करोगे तुम? आपके नाम पर इतना न हम पाप पुण्य के दुकानदारी चलाएंगे, एक भी आदमी बच नहीं पाएगा, सबको फंसाएंगे। और कहा पाप पुण्य के करब पसारा, जे बाझे से जीव हमारा, पाप पुण्य हमरे से होई, अलेखा हमार लिहे नहीं कोई। आज दर्जन के दर्जन गाय कट रही है, भैंस कट रही है, ऊंट कट रहा है, दुम्मा कट रहा है, बकरी कट रही है, भेड़ी कट रही है, मुर्गा कट रही है, कबूतर कट रहा है, है कोई देखने वाला ही पाप पुण्य के दुकानदारी के? यही दुकानदारी चल रही है, कल्याण का मार्ग कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सब लोग हैं दुकानदारी में। एक आदमी था जिसका उम्र 50 बरस का था, अब बेचारा के जो पत्नी थी उसे बाल बच्चा नहीं हुआ, तो एक दूसरा शादी किया, दूसरा किया तो ओकरों से नहीं हुआ बाल बच्चा, और दोनों सौतिन में इतना बैर चले रात दिन, इतना झगड़ा लड़ाई, जो उसका पति तो बेचारा तबाह हो गया दोनों के लड़ाई से। एक मित्र था उसका, कहा मित्र कुछ पैसा हमको दो कि हम चले जाएं कहीं बाहर, अब हम नहीं रहेंगे यहां। कहा क्या हुआ? दोनों पत्नी के लड़ाई से अब हमारा जी उब गया, अब मैं मर जाऊंगा चिंता से। कहा दोस्त जाओगे पंजाब फिर तो घूम के यहीं आओगे, अरे ऐसा उपाय लगाओ कि सदा के लिए झगड़े खत्म हो जाए, जाने से कोई फायदा तो नहीं होगा। कहा तो क्या करे बोलो? अरे गांव के बगल में जहाँ से गांव खत्म हो गया है घर, उसके बगल में दो चार कट्ठा जमीन खरीदो और उसमें एक मकान बनाओ, एक पत्नी को यहाँ रख दो और एक रहेगी पुरना घरारी पर, दोनों में दूरी बन जाएगी, झगड़ा लड़ाई बंद हो जाएगा। कहा ठीक, जमीन खरीदाया, मकान बना,
बड़की रह गई पुरना घरारी पर और छोटकी आ गई नयका घरारी पर। गई तो दोनों दो जगह, लेकिन गांव के औरत सब सुइया डोरा करना बंद नहीं किया। ओकरो कुछ जाके सिखावे या एकरो सिखावे, या तो यही चल जाए ओकरा यहाँ न तो वही चल आवे एकरा यहाँ। कपड़ फोड़ौल बंद नहीं हुआ, घर तो हो गया दू जगह, लेकिन झगड़ा बंद नहीं हुआ। तई बेचारा आतंक आ गया, कहा दोस्त अब दो रुपया, अब नहीं हुआ झगड़ा बंद, अब हम नहीं रहेंगे। तो दोस्त दिया कुछ रुपया, बेचारा चला गया पंजाब। पंजाब से कभी आने का भी इच्छा करता था तो झगड़ा लड़ाई याद आवे, अब बेचारा प्रोग्राम कैंसिल करते करते 12 बरस समय बीत गया। 12 बरस नहीं आया पंजाब से। माघ का महीना उतर रहा था और फागुन का महीना चढ़ रहा था। इनकी बड़की पत्नी चिट्ठी लिख रही है, चिट्ठी लिख रही है पति के पास, पति देव आपके चरण कमलों में मेरे तरफ से सादर प्रणाम, और आपके चरण की कृपा है तो मैं बिल्कुल सकुशल रहा करती हूँ। न भोजन का दुख है, न कपड़ा का दुख है, न कोई श्रृंगार के सामान का दुख है, न कोई गहना जेवर का दुख है, वह आपकी कृपा है। लेकिन दो बातों की दुख मेरे जीवन में है कि दिन में जब सारा काम करने के बाद मैं भोजन करने के लिए बैठती हूँ तो पति देव आपका याद आता है, मैं अभी भोजन कर रही हूँ और मेरे पति कल कारखाना से काम करके अभी भूखे प्यासे आए होंगे, तो अभी भोजन बना के कौन दिया होगा। और दूसरा दुख, रात्रि में सब काम करने के बाद भोजन के पश्चात जब मैं बिछावन पर सोने के लिए जाती हूँ तो आपका याद आता है, मैं अभी सो रही हूँ और मेरे पति कल कारखाना से काम करके थके मादे आए होंगे, तो मेरे पति का भी सेवा कौन किया होगा। ये दो दुख बड़ा सताता है। पति देव मेरे बातों से दुख न हो तो आगे होली का दिन आ रहा है, 2-4 दिन के लिए आ जाना, दर्शन दे देना और पुनः पंजाब चला जाना। चिट्ठी लिख के लेटर बॉक्स में गिरा रही थी, गांव के कोई औरत देख लिया और फौरन इसके सौतीन को जाके कह दिया, देखो देखो तुम भी चिट्ठी लिखो, आगे होली का दिन आ रहा है, तुम्हारी सौतीन चिट्ठी लिखी है बड़की, ऐसा न हो कपड़ा गहना जेवर मिठाई रुपया पैसा सब उसी के यहाँ आ जाए, तुम भी लिखो। कल हो के छोटकी लिख रही है, ई कैसे लिख रही है, ऊपर में लिखती है क्या जी, 12 बरस से पंजाब में घूम रहे हो, होटल में मुर्गा भात खाते हो, सिनेमा हॉल में जाते हो, मुंह में पान चबाते हो, रोड पर गुलछर्रा खूब उड़ाते हो। कुछ याद है हमारी जिंदगी 12 बरस से कैसे कट रही है? याद रख लो, आगे फागुन का महीना आ रहा है, इसमें आपको निश्चित रूप से आना है बाय फोर्सली। और सुन लो, चिट्ठी के अंदर मैं एक सूची भेज रही हूँ, मेरे लिए साड़ी पेटीकोट ब्लाउज नथिया बाली लॉकेट पायल ऐना कंघी टिकली सेनूर स्नो पाउडर सारे श्रृंगार के सामान का नाम लिखती है। अंत में लिख रही है याद रख लेना, जिस दिन सामान लेके आओगे मैं अपने सूची से मिलाऊंगी, इस सूची का सच्ची प्रतिलिपि मेरे पास रहेगा, मैं मिलाऊंगी, एक भी सामान अगर कमी आया, एक भी सामान अगर घटिया किस्म का आया तो एक भी झाड़ू धरती पर नहीं पड़ेगा। चिट्ठी लिख दिया, चिट्ठी गया पंजाब, डाक प्यून इसके हाथ में दिया,
आई बेचारा को दीने में तरेगन दिखाई देने लगा। डर के मारे डेरा से रुपया लिया, गया दुकानदार को चिट्ठी दिखाया, पढ़ लीजिए ठीक से, ऐसा न हो कि सारा झाड़ू हमारा पीठे पर लगे, ऐसा सामान मत दीजिएगा, खूब सोच समझ के सही सही सामान दे दीजिए। दुकानदार सोच समझ के सही सही सामान दिया, वहां से लाया, पॉलीथीन में बंद करके डेरा पर आके अटैची में सामान को सजाया, दू अटैची सामान भर गया, दोनों अटैची लिया, टिकट कटाया और ट्रेन में बैठ गया, आ गया, आ गया स्टेशन से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर इसका घर था। उतरा, फागुन महीना कुछ गर्मी आ जाती है, कोई रिक्शा टमटम था नहीं स्टेशन पर, दोनों हाथ में एक एक अटैची लिया और पांव पैदल घर की तरफ चल दिया। जब गांव के निकट आया तो गांव के कोई एक महिला इसको आते हुए देख लिया और इसके बड़की पत्नी को जाके कह दिया, ए जी तुम्हारे दुल्हा पंजाब से चले आ रहे हैं। बड़की दौड़ती है, दौड़ के गई और पति देव को पैर छू के प्रणाम किया और दोनों हाथ से अटैची ले लिया। पति देव आगे आगे और ये महिला पीछे पीछे गई अपने दरवाजे पर। ईमानदार कितनी है बड़की, दोनों अटैची दरवाजे पर छोड़ दिया, सबसे पहले पति के लिए एक बिछावन कर दिया। पति देव बैठ गए, थाली में जल लाई, पति देव का दोनों चरण पखार दिया और पंखा लेके बैठ गई और पति से कुछ हाल चाल पूछने लगी। इतने में गांव के कोई औरत छोटकी को जाके कह दिया, जल्दी करो, दोनों अटैची है बड़की के दरवाजे पर, ऐसा ना कि दोनों लेके पार कर दे, जल्दी जाओ। आ गई छोटकी, अब दूरे से कहती है, क्या जी आ गए? तो कहा जी हाँ आ गए, जरा सूची निकालो, अब मैं भी लेके आ रही हूं, पहले सामान तो मिलाओ, राम सलाम बाद में होगा। सामान मिलाना शुरू किया, सामान तो ए टू जेड सही था, फिर दोनों अटैची में रख लिया और छोटकी दोनों अटैची उठा लिया, अपने घर की ओर चल दिया। जब छोटकी दोनों अटैची उठाकर अपने घर की ओर चल दिया, बड़की खाली हाथ दरवाजे पर से अपने आंगन की ओर चल दिया, तो पति देव बड़की के पीछे पीछे चल। गांव के औरत सब उस जगह खड़ी थी, कहती है, क्या जी यही ईमानदारी है तुम्हारी, 12 बरस पर आए हो, आगे होली का दिन आ रहा है और दो पत्नी है तुम्हारे पास और दो अटैची तुमने लाया, तो एक एक अटैची दोनों को देना चाहिए ना, कितना बेईमान हो, दोनों अटैची छोटकी को दे दिए हो, अब बड़की के पीछे खाली हाथ जा रहे हो। तो पति ने जवाब दिया, सुनो, ये जो हमारी छोटकी पत्नी है इसको हमारे समान से प्रेम है, समान लेके ही जा रही है, आई जो मेरी बड़की पत्नी है इसको हमारे जान से प्रेम है, इसलिए जान इसके साथ जा रहा है। पति बड़ा है कि समान बड़ा है, है? पति किसको मिला है? बड़की के ना। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तीन देखी तैसी। ये पूरा जिंदगी महिला पुरुष पोता नाती मकान दुकान जमीन और नौकरी के भक्ति चल रहा है, पाप पुण्य की दुकानदारी चल रही है,
पूरा एकदम पाप पुण्य की दुकानदारी चल रही है, इसे कल्याण कभी जीव का होने वाला नहीं, पाप पुण्य की दुकानदारी से। साहब कबीर कहते हैं, धर्म या धर्म तहां कछु नहीं। धर्म है सोना के पिंजरा, अधर्म है लोहा के पिंजरा। पाप है लोहा के पिंजरा, अधर्म है सोना के पिंजरा। सोना के पिंजरा में अगर सुग्गा को रख दिया जाए तो सुग्गा खुशी मनाएगा। अगर कैदी को सोना का हथकड़ी लगा के जेल में रखा जाए तो कैदी हंसेगा कि रोएगा? रोएगा ना। तो पुण्य है सोना के हथकड़ी और पाप है लोहा के हथकड़ी, दोनों में फंस रहे हैं। पाप में भी और पुण्य में भी, दोनों में आपका फसाव जारी है। साहब कबीर कहते हैं, वहां वो वैसा मत करो, 24 घंटा अपने दिल दिमाग में रखो कि इस शरीर लेके जो मैं आया, अब माँ के गर्भ में 9 महीना रहा, उतना कष्ट वहां काटा, और यहाँ दुनिया में कष्ट काट रहूं, आखिरकार इस शरीर कब तक मैं पकड़ते रहूं, और कब तक श्मशान जाते रहूं, और कब तक गर्भ में जाते रहूं, इससे हमारी छुट्टी हो जाए, वो काम क्यों नहीं करते हो? आज बेटा बेटी के कौन दुकानदारी में फसल हो, अब पोता पोती के, नाती नतनी के, ये कौन दुकानदारी है? यही सारा पाप पुण्य के दुकानदारी में। आ जिंदगी भर औरत सब पाप पुण्य के दुकानदारी करती है, अंत में रोका न बेटी गया जोड़े, न दामाद गया, न नाती गया, न नतनी गया, न पोता गया, न पोती गया, सब दुकानदारी अंत में फेल खत्म, रोते हुए अकेले यहां से दुनिया से चले जाए।